और कमोडिटी सुपर फास्ट में सबसे पहले बात इस वक्त की पांच बड़ी खबरों की, जिसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर आगे आपको दिख सकता है। और पहली बड़ी खबर है गोल्ड को लेकर ही। गोल्ड में तेजी बनी हुई है और अभी अभी गोल्ड का भाव करीब 53 रुपये ऊपर है, 32,230 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। और दिन के कारोबार में बाजार ने 32,250 के स्तर को तोड़ा था। चांदी का भाव 39,700 के करीब यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, जिसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता से भी कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। क्रूड कीमतों में मजबूती है और एमसीएक्स पर भाव 3700 के करीब है। करीब आप देख पा रहे हैं कि अभी मार्केट में थोड़ी सी मजबूती है, लेकिन थोड़ी देर पहले ये तेज़ी ज़्यादा थी, अब बाजार दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक 5.5 लाख बैरल से ज़्यादा घटा है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा था। अब बात करते हैं मेटल की। मेटल के मार्केट में मजबूती है और कॉपर निकल जिंक में 1% तक की तेज़ी आज हमने देखी थी, और कॉपर का भाव अभी भी 1% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तेज़ी इसलिए है क्योंकि चीन में आर्थिक राहत की चर्चा हो रही है कि आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, उसका इम्पैक्ट हम पूरे मेटल पैक के ऊपर देख पा रहे हैं। क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल का, लिहाजा अगर वहाँ पर कुछ ऐसी खबरें आती हैं डिमांड बढ़ने को लेकर, तो उसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिख भी रहा है और आगे भी दिख सकता है। और अब बात करते हैं एक और खबर की। दिसंबर के महीने में एडेबल ऑयल का इंपोर्ट 11% बढ़ा है और ये बढ़कर 12 लाख टन के स्तर के पार चला गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट पर ड्यूटी में कमी की गई है, उसका इम्पैक्ट हमने इंपोर्ट के ऊपर देखा है। और यही वजह है कि इम्पोर्ट बढ़ने से आज जो क्रूड पाम तेल का काउंटर है ये दबाव में है, 543.30 रुपये के स्तर पर है। फिलहाल करीब करीब 0.25 रुपये की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन में गिरावट है। वायदा बाजार में सोयाबीन का भाव 44 रुपये नीचे है, यानी 1% से ज़्यादा की कमजोरी हम सोयाबीन में देख पा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कमजोरी आई है उसका इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। पिछले साल से इस बार सोयाबीन का उत्पादन करीब करीब 25 लाख टन बढ़ने का अनुमान जताया गया है। ये 5 महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त की हमने आपको बताई, लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज की 5 ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। और ये बताने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार जैन हैं इंडिया निवेश के। मनोज जी स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड में तेज़ी तो है लेकिन रफ्तार बहुत तेज़ नहीं है। किस बात का इंतज़ार गोल्ड का मार्केट कर रहा है और ऊपर जाने के लिए? नमस्कार मृत्युंजय। कल जो ब्रेक्जिट डील के ऊपर जो वोटिंग थी और वहाँ पे ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो हार हुई है उसमें, और उसके लिए अभी वापस से जो है नए सिरे से इनिशिएट हो रही है चीज़ें ब्रेक्जिट को लेके, तो उसका एक जो है वेट है गोल्ड को। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहेगा इस तरह की जो अनिश्चितता है वो। तो आने वाले समय में जो $1,300 के ब्रेकआउट की हम इंतजार कर रहे थे वो देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस लिहाज से 32,200 का स्तर भारतीय बाजारों में अच्छा होगा खरीदारी के लिए। 32,050 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरा मानना है कि 32,500-32,600 आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक बार यहाँ पे जो है देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में बाइंग किया है आपकी और आप खरीद कर चलेंगे तो ये आपके लिए फायदे का सौदा होगा। क्रूड में क्या करना चाहिए? क्या क्रूड का मार्केट भी आपको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा? क्रूड में भी हमने देखा है कि WTI की बात करें तो $50 के ऊपर जो है प्राइस सस्टेन हो रहे हैं, और अमेरिका में भी जो पिछले सप्ताह जो इन्वेंट्री आई थी वहां पर गिरावट देखने को मिली थी, और जिस तरह से सऊदी अरेबिया की तरफ से भी प्रोडक्शन कट देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि अब जो US की वीकली इन्वेंट्री आएगी वहां पे फिर से एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है, तो कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। एक छोटे से स्टॉप लॉस 3660 के नीचे का रख के लॉन्ग बने रहना चाहिए। मेरा मानना है कि 3770 और 3840 ऊपर में ये 2 लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी जो है तेजी का सौदा करना चाहिए। ठीक है, तो क्रूड में बाइंग की कॉल 3720 पे, 3840 के टारगेट के लिए 3660 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा मेटल में, चूँकि मेटल में सारे काउंटर कमोबेश तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं,
और इसी खबर के आधार पर कि चीन में कुछ आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है, उसका इम्पैक्ट है मेटल मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि लेड का जो प्राइस है वो अभी बढ़ने वाला है, खरीदना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे सारी कमोडिटीज़ में हमने एक अच्छा रनअप आते हुए देखा था कल, जिस तरह से खबरें निकल कर आई थी कि चाइना में जो है आर्थिक पैकेज मिल सकता है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो वहाँ से सारे ही बेस मेटल काउंटर में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। हालांकि लेड में जितनी तेजी आना चाहिए थी उतनी देखने को नहीं मिली, तो मेरा मानना है कि अंडर परफॉर्म काउंटर है, यहाँ पे एक तेजी बन सकती है। 139.50 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है 142 तक के लक्ष्य के लिए। तो आप कह रहे हैं कि लेड में 142 के टारगेट के लिए खरीद कर चलना बेहतर होगा 139.50 के स्टॉप लॉस के साथ, और 140.50 के स्तर पर आपने बाइंग की कॉल दी है, तो ये आपके लिए लेड पर कॉल है। अब बात एग्री मार्केट की, एग्री में ग्वार आपको आज के लिए या फिर इस हफ्ते के लिए कैसा काउंटर दिख रहा है? बिल्कुल, अभी जो वर्तमान में फेब्रुअरी वायदा 4,300-3,20 के रेंजेस में चल रहा है, हमने देखा है कि नीचे में कहीं ना कहीं 4,300 के आसपास बार बार यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में फिर से एक रनअप आया था, तो उस लिहाज से यहाँ पे तेजी देखने को नहीं मिली थी। ऊपर में 4,400-4,450 अभी भी मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो मेरा मानना है कि 4,400 तक की तेजी के लिए यहाँ पे फेब्रुअरी वायदा में लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे ये कमोडिटी ब्रेकआउट का इंतजार कर रही है, अगर 4,450 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो फिर यहाँ पे जो तेजी है वो एक्सटेंड हो सकती है, और फिर कीमतें एक बार 4,750 तक भी जो है देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं 4,000 पहले, तो 44 तो आप कह रहे हैं कि लेवल दिखेगा ग्वार का, तो 4,280 के स्टॉप लॉस के साथ आपके लिए 4,320 पर बाइंग की कॉल दी गई है। कैस्टर का वायदा आपको कैसा लग रहा है? कैस्टर में भी मृत्युंजय हमने गिरावट देखी थी ऊपरी स्तरों से, पर लेकिन जिस तरह से जो चाइना की तरफ से न्यूज निकल कर आई है स्टिमुलस की, तो उस लिहाज से ये कमोडिटी को सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल इस कमोडिटी के अच्छे हैं और अंडर परफॉर्म कमोडिटी रही है जिस तरह से फंडामेंटल है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे भी लॉन्ग किया जा सकता है 5,340 तक के लक्ष्य के लिए। 5,340 के लिए लॉन्ग की राय आप कैस्टर में दे रहे हैं। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है छोटे लाल का, चंदौसी यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए छोटे लाल जी। सवाल दोहराएंगे अपना, कॉपर में इंटरडे में क्या करना चाहिए? ओके, ठीक है मनोज जी, कॉपर में इंटरडे में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में मेरा मानना है कि 418-420 एक अच्छा रेंज है सपोर्ट का, तो अगर 418-19 के आसपास आए तो वहां पे खरीदारी की रणनीति कर सकते हैं। 415 का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 423-425 ये लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल दीपक का है, धुलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए दीपक जी। सर जी, फरवरी सोयाबीन में क्या लग रहा है? कल जैसे आपने बताया था कि शॉर्ट आइटम, और आज आप बोल रहे कि उत्पादन बढ़ने की आशंका है। नहीं, देखिए वो कल जो हमने आपको बताया था वो एक महीने का टारगेट है, और जो हमने आपको कॉल दी थी, जो हमारे जानकार ने कॉल दी थी, वो कॉल ये थी कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तब आपके लिए बाइंग का एक अच्छा मौका बनेगा, और 3800 के ऊपर का भाव आपको दिखेगा। ये राय अभी भी कायम है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मार्केट एक दायरे में रहा है, तो अब यहाँ पर डिमांड बढ़ने की बात की जा रही है, जिसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर देखा भी है। तो अब आपका राय, आपकी आपका सवाल ये है कि सोयाबीन में एक्चुअली क्या लेवल दिखेगा, तो बताएं मनोज जी क्या टारगेट होगा सोयाबीन का? बिल्कुल, सोयाबीन में अभी भी मेरे हिसाब से घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो सोया मील एक्सपोर्ट के नंबर निकल कर आए हैं अप्रैल से दिसंबर के, वहां पे एक अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है, और ईरान का जो मील का डिमांड है वो आगे भी मेरे हिसाब से बरकरार रहेगा, तो चूंकि हमने 3,450 से 3,700 तक की रैली देखी थी, तो एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, और CBOT पर भी एक थोड़ा सा प्राइस करेक्शन देखने को मिला था। मेरा मानना है कि भारतीय बाजारों में जो सोयाबीन का फेब्रुअरी वायदा है, यहाँ पे 3600-3620 ये स्तर जो है काफी अच्छे लेवल्स होंगे अट्रैक्टिव वापिस से बाइंग करने के लिए, तो अगर इनका बाइंग है तो भी होल्ड कर सकते हैं, और अगर नया किसी को पोजिशन लेना है तो 3600 से 3620 के रेंजेस में बाइंग कर सकते हैं। 3550 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, 3720 पहला लक्ष्य होना चाहिए, और उसके ऊपर कमोडिटी सस्टेन हुई तो 3850, पर यहाँ पे लगभग 1 से 2 महीने का समय इनको देना। बिल्कुल, तो 1 से 2 महीने में 3850 का लेवल आपको दिख सकता है सोयाबीन का। जहाँ तक आपने उत्पादन की बात की,
तो वो आंकड़े मार्केट में डिस्काउंटेड हैं, जो आंकड़े हमने बताए हैं कि करीब 25 लाख टन उत्पादन बढ़ने वाला है, उसका इम्पैक्ट आ चुका है। अब डिमांड के आधार पर मार्केट की चाल तय होगी, और जिस आधार पर जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि आपको 3850 का लेवल भी देखने को मिलेगा। अगला सवाल शंकर का है, जालौर से है हमारे साथ, पूछिए शंकर। सर ये जीरा का ये वायदा का सर बच सकता है क्या सर? जीरा का वायदा आगे किस ओर जाएगा ये आप जानना चाहते हैं। आज जीरा वायदा दबाव में है, हालांकि गिरावट बहुत ही मामूली है 10 रुपए की। क्या आउटलुक है आपका मनोज जी जीरे के ऊपर? जीरा वायदा में अभी जो मार्च वायदा है वहां पे अभी खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरा मानना है कि जो नई क्रॉप का अराइवल स्टार्ट होने वाला है तो उस लिहाज से कीमतें एक बार 16,500 तक के स्तर दिखा सकती है मार्च वायदा। तो अगर किसी को खरीदारी की रणनीति करना है तो 16,500 के आसपास करना चाहिए। वर्तमान स्तरों पर अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 17,150 के एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। 16,800 पहला लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रहा आपके लिए जीरे के ऊपर। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे होगा सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर। मनोज जी, चांदी में आज के लिए कुछ ट्रेड बन रहा है अभी अभी? बिल्कुल, चांदी में 39,500 एक अच्छा स्तर है मेरे हिसाब से सपोर्ट का। तो अगर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है 101 रुपए का, अभी 39,600 के आसपास कीमतें ट्रेड कर रही है, तो 39,500 के स्तर आए तो वहां पर फिर से खरीदारी की रणनीति कर सकते हैं। 39,300 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 39,750, 39,800 ये एक लक्ष्य होगा पहला, और इसके ऊपर कीमतें सस्टेन हुई तो 40,100 तक के स्तर जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल महेंद्र का है, गंगानगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए महेंद्र जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर जी मैं किसान हूँ, मेरे पास 60 क्विंटल कॉटन पड़ा हुआ है, तो 15 जनवरी तक यहाँ से 2,000 रुपए की केजी आ सकती है क्या? 15 फरवरी तक? हाँ जी, 15 फरवरी तक क्या 2,000 रुपए तक की तेजी कॉटन में संभव है मनोज जी? नहीं, अभी कॉटन में हालांकि फंडामेंटल अच्छे हैं, उत्पादन में इस बार गिरावट है, लेकिन जो तेजी की अपेक्षाएं कर रहे हैं वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं आएगी, क्योंकि अभी अराइवल्स का टाइम है तो ये फरवरी मार्च तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद कीमतों में ग्रेजुअली बढ़त देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे इनको नजरिया थोड़ा सा 3 से 4 महीने का रखना पड़ेगा। आने वाले समय में फिर से कीमतें एक बार 22,000-23,000 तक के स्तर दिखा सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कुमार जैन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।